अभी के एक रिसेंट के केस की बात करते हैं। 2 लाख रुपए का कॉइन था जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। तो जिन लोगों ने ऊपर टॉप पे बाई किया होगा उनके साथ क्या बीत रही है आप यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो जाए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को तो आप एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पे जो आप नॉन फंडामेंटल कॉइन पे बिलीव करते हैं तो आज से आप उन पे बिलीव करना बंद कर दो, मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले उस कॉइन की बात कर लेते हैं कि उस कॉइन का नाम क्या है। उस कॉइन का नाम है स्क्विड गेम। उसके साथ क्या हुआ आप खुद कॉइन मार्केट के पे जाके देख सकते हैं, उसकी 2 लाख से भी ज़्यादा की प्राइस थी, भयंकर तरीके से क्रेश हो चुका है। ऐसा आपके कॉइन के साथ भी हो सकता है अगर वो फंडामेंटली नहीं है स्ट्रॉन्ग। तो जैसा कि अभी बात करें सिबाइनू हो रहा है चारों तरफ, क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा है और जो लोग आपको बोल रहे हैं उनको भी शायद ये पता नहीं है कि इसके साथ ऐसा हो सकता है। वो क्यों, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पे सिबाइनू के जो टॉप 100 यहाँ एड्रेसेज हैं वो यहाँ पे 80% से ज़्यादा सप्लाई ऑन करते हैं। अगर उन लोगों ने या वो लोग है या कोई बड़े फर्म है, सपोज करो लोग है, अगर उन लोगों ने यहाँ पे सोच लिया कि सिबाइनू को सेल करना है तो यहाँ पे सिबाइनू भयंकर क्रेज कर सकता है। आपको तो इस चीज़ का तो आइडिया भी नहीं होगा। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे इस करंट लेवल पे आप 1 लाख रुपए लगाते हैं सिबाइनू में और वो यहाँ 80% क्रेज आ जाता है तो आपके 80,000 तो यूँ ही चले जाएंगे, 20% बचेगा, 20,000 वो भी शायद नहीं बचेगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही सेलिंग हो जाएगी तो फिर यहाँ पे लोग पैनिक हो जाएंगे और वो 20% भी छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे कि यार बकवास कॉइन है। तो इस चीज़ से बचो, आपको मैं अभी भी अवेयर कर रहा हूँ। बाद में जब ऐसा हो जाएगा तब आप रिग्रेट करेंगे, यार पहले ये हो जाता। और एक पहले भी वीडियो बनाया था मैंने, वो वीडियो बनाते टाइम थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन आपको जिस टाइम भी आपने सेल किया होगा उस वहाँ से भी बहुत नीचे आ गई थी प्राइसेस और वहाँ से अब थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ से और भी चला जाए 50% 100% तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बहुत पहले ही एक वीडियो बना के बता दिया था 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने को लेकर, आपको उस 1,000 रुपये का अच्छा रिटर्न मिल गया होगा। अब क्या लालच कर रहे हो यार, अब निकल जाओ इस कॉइन से, क्या आप इसके पीछे पड़े हो। मार्केट में हज़ारों कॉइन है जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और उनमें अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उनको देखो ना। ये ऐसे वाले कॉइनों में घुसोगे तो उनका क्या है, 80% क्रेस हो गया। तो और यहाँ पे डोज कॉइन की बात कर लेते हैं। डोज कॉइन में टॉप 100 एड्रेसेस के पास 60% से ज़्यादा सप्लाई है, तो अगर वो इसको यहाँ पे सेल करने लग जाते हैं तो 60% क्रेस होगा, 40% तो बचेगा ना। और एक चीज़ और है डोज कॉइन में, यहाँ पे एलन मस्क इसको सपोर्ट करते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी चीज़ है। तो मैं डोज कॉइन के तो इसलिए फेवर में रहता हूँ क्योंकि एलन मस्क इसके सपोर्ट में, तो वो बात अलग है। यहाँ पे मैं सिबाइनू की बात कर रहा हूँ जो कि हम सिबाइनू यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहे हैं कि ले लो, वो बाद में दुम दबा के भाग जाएंगे और आपको दिखेंगे भी नहीं, फिर जब माहौल ठंडा होगा तब निकल के आएंगे, हाँ ये वो। तो उनके चक्कर में मत पड़ो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में फिर ये चीज़ आपको रिग्रेट होगी, कोई बचाने नहीं आएगा आपको। और यहाँ पे बात कर जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन होते हैं ना, अगर उनके साथ ऐसा सीन हो जाता है तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है वापस से वो रिकवर हो जाते हैं। जैसे अभी सपोज करो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में मे बी 50% का क्रेज आ जाए तो यहाँ पे बिटकॉइन को संभालने के लिए लोग हैं जो उसकी रियल वैल्यू समझते हैं, यहाँ से वो बाउंस हो जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है उनको कोई संभालेगा नहीं, वो पड़े के पड़े रह जाएंगे और आपको यहाँ पे कभी आपका वापस से वो लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को समझो। और यहाँ पे बात करें, अभी एक ग्रेट लेसन मिल गया होगा ये स्क्विड गेम का जो सीन हुआ है उससे, कि जितने भी कॉइन आपने यहाँ पे ले रखे हैं उनमें आप 20% 30% आगे का स्टॉप लॉस लगा के रखो, कि अगर ऐसा सीन हो जाए तो भी आप ऊपर ही आपका सेल हो जाए, नीचे भी चला जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टॉप लॉस तो यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे एक ही चीज़ बचा सकती है वो है स्टॉप लॉस। जैसे स्क्विड गेम में हुआ, भयंकर तरीके से प्राइस आती गई, यहाँ पे लोग सेल भी नहीं कर पाए क्योंकि नंबर्स कहाँ पे वो करेंगे। जब मान लो सिबाइनू है उसमें भयंकर तरीके से क्रेज आए तो आप नंबर भी सेट नहीं कर पाएंगे सेल करने के लिए, भयंकर तरीके से चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस पहले से लगा होगा तो वो आप हिट हो जाएगा और आप निकल जाओगे। तो यही है। तो आप अगर समझदार है तो समझो, नहीं अगर नॉइस में या भेड़ चाल में चलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैंने तो बता दिया है। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं वगैरह ही है तो यहाँ पे इंटेंशन मैटर करता है। मेरा इंटेंशन हमेशा आपको बचाने के लिए होता है, सही नॉलेज देने के लिए होता है, ना कि ये फालतू लोगों की तरह ये व्यूज वगैरह इनके लिए, क्योंकि उनको तो यहाँ पे व्यू चाहिए। मैं पहले वाला वीडियो बनाया था सिबाइनू का, वो भी आपके फेवर में ही था और ये भी आपके फेवर में है। तो बस इतना ही है। अगर इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले ये क्या हुआ है सीन, और आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ही रखना है आपका पूरा पोर्टफोलियो। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।